हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का इस वीडियो पर स्वागत करती हूँ। आज हम छोले भटूरे बनाएंगे। छोले भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले हम भटूरे का डो तैयार करेंगे। इसके लिए एक परात में एक कप मैदा, दो बड़े चम्मच सूजी, एक चौथाई कप दही, एक चम्मच चीनी, स्वाद अनुसार नमक, दो चम्मच तेल, और इनो फ्रूट सॉल्ट डालेंगे। सभी को अच्छे से मिला लेंगे। अभी इसमें पानी नहीं डालेंगे, बस इसे ऐसे ही मिलाएंगे। ये अच्छे से मिल चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो तैयार कर लेंगे। डो बन चुका है। अब इसे एक बार ऑयल से कोट कर लेंगे। ऑयल से कोट इसलिए किया है जिससे डो सूखे ना और सॉफ्ट ही बना रहे। अब इसे एक कपड़े से ढक देंगे और एक घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। डो तो बन गया है, अब छोले बनाएंगे। इसके लिए हम 150 ग्राम छोले लेंगे जिन्हें हमने पहले ही पानी में भिगो कर रख दिया था। देखिए कुछ इस तरीके से फूल जाएंगे। हमने इन्हें करीब 8 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा था। अब इन्हें कुकर में उबाल लेंगे। इसके लिए कुकर लेंगे और सारे छोले उसमें डाल देंगे। अब एक कपड़ा लेंगे, पतला कपड़ा ही लेंगे और ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही कपड़ा लेंगे। अब कपड़े पर 2 से 3 लौंग, 6 से 7 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 चम्मच चाय पत्ती रखेंगे। और इसकी एक पोटली बना लेंगे। अब पोटली को कुकर में डाल देंगे और इसमें पानी डालेंगे। ध्यान रहे पानी छोले से ज्यादा होना चाहिए जिससे छोले इसमें अच्छे से डूब जाएं। अब इसमें नमक, और 1/4 चम्मच सोडा डालकर कुकर को बंद कर देंगे।
अब गैस ऑन करेंगे और तेज आंच पर एक सीटी आने के बाद गैस को धीमी कर देंगे और फिर 4 से 5 सीटी आने तक का इंतजार करेंगे और फिर गैस बंद कर देंगे। छोले उबल चुके हैं, अब हम ग्रेवी बनाएंगे। इसके लिए कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें 4 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें 1 चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1 कटा हुआ अदरक का टुकड़ा और 3 से 4 कटी हुई लहसुन की कलियां डालकर थोड़ा चला लेंगे। अब इसमें 2 कटे हुए प्याज डालकर थोड़ा फ्राई कर लेंगे। प्याज हल्के फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर काफी अच्छा आता है, और 1/2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डालकर मिला लेंगे। सारी चीजें हल्की फ्राई हो चुकी हैं, अब इसमें टमाटो प्यूरी डालेंगे और मिला लेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी कसूरी मेथी, और 2 बड़े चम्मच छोले मसाला डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक टमाटर का सारा पानी सूख ना जाए। टमाटर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब छोले को देख लेते हैं। कुकर को खोल लेंगे और पोटली को निकाल देंगे। अब इसे चेक कर लेते हैं अच्छे से पका है या नहीं। देखिए छोले आसानी से दब रहे हैं, इसका मतलब ये पक गए हैं। अब छोले को कढ़ाई में डाल देंगे। हम छोले को थोड़ा मैश कर लेंगे, नीचे की साइड से ही मैश करेंगे। ज्यादा नहीं, थोड़ा ही मैश करेंगे जिससे थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। अगर आपको ये ज्यादा गाढ़ी लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। अब इसे 2 मिनट के लिए उबलने देंगे। इसमें उबाल आ चुका है, अब इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालकर मिला लेंगे। छोले बन गए हैं, अब गैस बंद कर देंगे। अब हम भटूरे बनाएंगे। डो को भी 1 घंटा हो गया है, अब इसे देख लेते हैं। डो को दोबारा से गूंथ लेंगे। अगर गूंथते टाइम डो हाथों में चिपकता है तो थोड़ा सा तेल डाल सकते हैं और फिर इसे गूंथ सकते हैं।
देखिए कितना सॉफ्ट डो बना है। अब इसकी लोइयां तोड़ लेंगे। अब लोइयों को भी ऑयल से कोट कर लेंगे। अब भटूरे बनाएंगे, इसके लिए एक लोई को बेल लेंगे। आप इसे लंबा या गोल कैसे भी बेल सकते हैं। अब इसे फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे तेल बहुत गर्म होना चाहिए। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसको तेल में डालकर फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे हम भटूरे के ऊपर तेल को इस तरीके से डालेंगे जिससे भटूरा अच्छे से फूल जाए। ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का सा फ्राई होने पर ही निकाल लेंगे। इसी तरीके से बाकी भटूरे भी बना लेंगे। छोले भटूरे बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये एकदम मार्केट स्टाइल में ही बने हैं। आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।